हेलो। हेलो। हाँ प्रणाम जी, कैसन बानी रहुआ? प्रणाम नाम कुछ ना, कौनो हाल चाल सब सब एकदम जोन बात तुम बाटे ठीक बा। का औखी परी पहले बात सुना, हमार बात सुन पहले। औखी परी घर वाला तोर अगर हमरा के खाली हाथ भेज देना सुनू तो समझ लिए एकदम। का बोला तारा? हाँ कहाँ से बाइक के तू रट लगावला शुरू कर देले बा, बतावा। ऐसी ही शादी ब्याह में बाबूजी जे मंगला उस सब चीज देनी। इतना धूमधाम से शादी ब्याह भइल, सब कुछ हो गई। अब एगो बाइक के इतना कर्जा हो गई बा, शादी शुदा शादी करे में इतना ज्यादा लोगन से ले दे के बाबूजी शादी कहनी। अभी बाइक के रट कहाँ से लगावल शुरू कर देले बड़ा। अब बाबूजी कहाँ से पूरा करी बताई रहुआ? कहीं से ले आके देव भाई, अब जहनू से ले आके देव, घर बेच देव, दुआर बेच देव, कोनो मतलब हमारा नहीं के। बस हमारा गाड़ी चाहिए तो चाहिए, बाइक चाहिए हमारा बस। तब बात के समझे के कोशिश करी ना। अभी तो हमनी के शादी भइल बा, अभी जेकर से बाबूजी पैसा ले ले बानी शादी के समय ओकरा के देवे के बा, वो कर्जा तोड़ी। ओकर बाद अभी नया बाइक के तू रट लगा देले बड़ो, शादी के समय ही पर कह देले रहलस तो ज्यादा बढ़िया रही ना। और उससे हमारा कोनो मतलब नहीं के, बस हमारा बाइक चाहिए तो चाहिए। अगर ना देलो से बाइक मु तो समझ जे तोर हम का हाल करेम ते ही बुझबे ठीक बा। ठीक बा, हम का कहीं अब रवा के पता ना 100 रुपए बाइक के भूत सवार हो गेल बा। कैसे का कौन कहला कह देला सतारा के हमके समझ में नहीं क्या। भौजाई के नंबर का ही नहीं के मिला थो, रुका दूसरा नंबर पर करे बनी। हेलो हेलो, प्रणाम दी। का हाल बाबू जी, घर में सब ठीक बा नू? हाँ दी सब ठीक बा, रवा सुनाई सब ठीक बा दी। हाँ हम सोचत रहनी हाँ कि आ जाए तू नहीं हर तो हमू आ जाती दो दिन खातिर बच्चा लोग के साथ घूमे। का बताई दी, केहू से बोलिया ना, हम का बताई तहरा के। तहार भैया जी के कुछ समय पहले फोन आयल रहे। के कहले बा? उ भैया जी, तहार भैया जी पता ना उनकरा के का हो गइल बा, का उ रट लगा लेले बाड़े। कहता रहे कि तहार बाबूजी जब बाइक दी तभी हम तहरा के लेवे खातिर आए, हमरा तो घर आवे के बहुत मन बा। उकर इतना है मत, घर में तो सब कुछ बढ़ ले बा, काहे खातिर इतना ललचा था? हाँ, और हम समझावे के कोशिश भी कैले रहनी कि अभी शादी भइल बा, कर्जा काफ़ी ज़्यादा हो गइल बा, तब जब बाबूजी कर्जा तोड़ दी तब हम बाबूजी के बोल देम, लेकिन का बताई हम। हाँ हम बहुत समझावे के कोशिश कैली पर का बोली अब रवा के। गुस्सा से तो फ़ोन भी काट देले बानी हम, उनका के कहनी कि कहाँ से बाबूजी के अभी हो पाए, अभी ना हो पाई, जब होई तो हम खुद बाबूजी के बोल देम, लेकिन ना मान रस और अभी फोन गुस्सा में काट देले बानी। पता ना कहाँ कहीं अब फोन उठाई वो करी कि ना, हमके ले जाई कि ना। यहाँ पर हर कोई गांव जमार के लोग पूछा था कि जा कब जाए कब। रुको हम अभी बतियाबा तनी, वो खुद फोन करी तारा लगे बुलावे खाते। घबरा मत, हम करें तनी फोन, रोआ मत, ठीक बा। रखो हम करें अभी, चाहे वो खुद ही कर दी तारा लगे फोन। ठीक बा दीदी, अभी एकरा के मजा चखा बतानी, रुको। हेलो। हाँ भैया, का हाल बा? हाँ बोनी खुश रहो, का समाचार बा, सब ठीक रह बानू? हम ठीक बानी, तू बताओ। भाभी आ गई ली नहीं हर से? का होइल बा बोल, कोनो बात बा का? हाँ घरों में सब कोई ठीक बा, लेकिन का बताई आजकल। हाँ अरे तो वहाँ के का चीज़ के प्रॉब्लम बा, वहाँ घर में तो सब चीज़ भरल बा, गाड़ी उड़ी सब चीज़ बाटे, तब वहाँ के कहे ला इतना जिद करता नहीं? घर के स्थिति बहुत बेकार बा, जाना तर लोग दहेज खातिर इतना ना ललचा गल बा कि हई ले आब हऊ ले आब अपन घर से, ना तो मरलो रलन दो दिन पहले तो कि ना देबू तो छोड़ के आ जाए घर। अरे का कहता नहीं? अब का बताई, यही से सोचले रहनी कि दो दिन खातिर आ जाती भाभी आ जाती तो। हाँ कहता लोग कि जब तक सामान नया ले अबू घर के सब नया, दोबारा जितना पैसा दे ले बा लोग उससे डबल लेम तबे छोड़ के आए। अरे यार देख लो,
हम ई सब बात जे भी कहले बानी सब झूठ बा, ऐसा कुछ नहीं के हमारे घर में स्थिति, लेकिन तू ऐसा स्थिति हमारे नैहर में जरूर बना दिले बड़ो। भाभी के फोन करके जे कुछ कहले बड़ो सब हमरा के बता दिले भैया। आज हमरा समझ में आ गेल बहिन तोरे चलते कि दहेज के लोभी लोभी हो के हम अपना पूरा परिवार के बर्बाद करे के चक्कर में लागल रही। हाँ एकदम आज ते हमारा आँख खोल दिले बड़े बबनी। हाँ और एक और बात सुन बबनी, जा तनी हम आज जाके तोरा भाभी के लेके आओ तनी, ठीक। हाँ और तू ही अपना बाल बच्चा के साथे बबुआ बबनी के साथे आके और जिया जी के बुला के मतलब दो चार दिन हमारे घर आ जाइए, ठीक बा। हाँ हाँ एकदम, हाँ ठीक बा बबनी एकदम। एकदम काम तो ठीक कैलू हो कि ताकि हमरा तो इतना समझ में आ गया ना कि हम अपना परिवार के बर्बाद होके से बचा लेनी हो। हाँ हाँ बबनी एकदम। तो अभी ये फोन करा और लेके आओ ओकरा के, तभी हम आए घर में। हाँ कुछ नहीं कि जाना, फोन करा बुलावा ओकरा के, चाहे लेवे जा आ जाइए। चलो ठीक बा, अब रोवा मत, जो हो गए से हो गए, लेकिन माफी मांगला से कुछ न जला, ठीक। हम लेवे आओ तनी, ठीक बा रखो तनी हम। अरे रहुआ यहाँ पे सब ठीक बा ना घरे? हाँ सब ठीक बा, पहले बैठो। का भइल सब अचानक से तू यहाँ आ गेला, का हो गए? अरे बबनी फोन कइले रहलस यो और बाइक को हमरा कुछ ना चाहिए, ठीक बा, बोल दिया अपना बाबू से बाइक को सब अपन रख ले, हमरा कुछ ना चाहिए, बस खाली तू घरे चलो। का बोलस दीदी सब ठीक? अरे वो फोन कइले रहलस यो, बहुत बढ़िया बात बोलबे, जोन भी बोलबे ठीक बोलबे, बस तू सामान वन पैक कर, जल्दी चले के मम्मी घरे चल। पत्नी से प्यार करी पैसा से ना, हम है प्रियंका राज। परिवार से प्यार करी पैसा से ना, दहेज से ना, हम है नीतेश बाबा। परिवार एक साथ रही, प्यार एक साथ रही, तो पैसा लालच के कोनो जरूरत ही ना पड़ी। हम हई ममता तिवारी आ हमारा साथ देवे खातिर चंदन रली हो जे बताइए रवा के। हम हई चंदन गोस्वामी और ई वीडियो के लाइक करी और सब्सक्राइब करी आ नेचर देवल लिंक के शेयर करल बिल्कुल मत भूलिम लोग। आज प्रोग्राम में हमने के यही संदेश देले बनी जा कि परिवार में एकता होकल बहुत जरूरी बाटे, प्यार होकल बहुत जरूरी बाटे। अगला प्रोग्राम में फिर से ऐसा कुछ खास प्रोसेस का साथ हमने का आई जा, लेकिन तब तक खातिर दी इजाजत, प्रणाम। आशीर्वाद कहकर देते हैं दहेज, क्यों अपने दुलार को शर्मिंदा करते हैं? रुपयों में तौल दिया बेटी का प्यार, क्यों बेटी पर माँ बाप से वार करते हैं? आज हमने आप सभी को अपनी कहानी के जरिए ये बताने का प्रयास किया है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को विदा करता है उसके बाद उसकी क्या दशा होती है, और उसके बाद अगर जो कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी मांग को पूरा करना चाहता है तो उस बेटी पर क्या बीतता है, ये आप हमने आपको इस कहानी में दर्शाने की कोशिश की है। हम कहते हैं कि समय बदला है, समय के साथ साथ लोगों का सोच बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुरीति आज भी चलती आ रही है। लेकिन इस फिल्म के जरिए हमने आपको बताया कि एक किस तरह से एक बेटी का, जी हाँ एक बेटी का बाप जब उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाता तो उसके ससुराल वाले उसका किस तरह से साथ दे सकते हैं। हमेशा अपने पति को सही राह दिखाना एक पत्नी का भी धर्म होता है, और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम के जरिए, इस छोटे से प्रयास के जरिए आप सभी को ये बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हर किसी की ये सोच है दहेज प्रथा की जो कुरीति है वो पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। बेटियों का जो लेन देन का सिलसिला है, जो उनके लिए दहेज प्रथा कहा जाता है, वो पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अरमानों का मोल लगाना बंद करो, दहेज के लिए लड़का बेचना हमेशा हमेशा के लिए बंद करो। जागो युवक जागो। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।